हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे फॉल्ट इक्विवेलेंसी और डोमिनेंट फॉल्ट कोलैप्सिंग के बारे में। ठीक है, तो मतलब हम करेंगे क्या, कोई भी एक सर्किट को सॉल्व करेंगे, जब हम इक्विवेलेंसी फॉल्ट निकालेंगे उसके रेशियो की बात करेंगे और एक डोमिनेंट फॉल्ट कोलैप्सिंग करेंगे उसके बारे में रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले हम गेट से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एंड गेट है, ठीक है, उसकी जो दो इनपुट है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस एंड गेट के इनपुट पे हम क्या दे सकते हैं, जैसे ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, तो इस पे हम 1 और 0 दे सकते हैं, इस पे भी 1 और 0, आउटपुट भी आपकी 1 और 0 आ सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं फॉल्ट इक्विवेलेंस, फॉल्ट इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, फॉल्ट इक्विवेलेंस केस में आप ये पॉइंट याद करना कि एंड गेट के केस में, ठीक है, हम इनपुट साइड में किसको कट करेंगे, जीरो को। ठीक है, और ओर गेट के केस में इनपुट साइड में किसको कट करेंगे, वन। ठीक है, इस एक ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, फॉल्ट इक्विवेलेंसी का रेशियो का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड गेट में इनपुट पे क्या कट करना है, जीरो, तो ये जीरो है, ये आपको कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनली रेशियो क्या बन जाएगा, पहले तो नंबर ऑफ पिंस निकालना है, 1, 2, 3, 8, 2, 6, 6 डिवाइड में आ गया। ठीक है, और कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, तो 4/6 जो है आपका, वह है इसका फॉल्ट इक्विवेलेंस। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सिर्फ फॉल्ट इक्विवेलेंसी में हमें नंबर ऑफ इनपुट्स के कट करना है। ठीक है, एंड गेट में जीरो कट करना है और गेट में 1 कट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं और गेट की बात करूँ, तो और गेट में क्या होगा, इसमें सिर्फ दो इनपुट ए एंड बी, इसमें भी 1, 0, 1, 0 और 1, 0, है ना। और गेट की किसमें क्या कट करना है, 1 कट करना, यहाँ पर हमने 1 कट कर दिया, वैसे भी 1 कट, तो सेम वही आ जाएगा इसका भी, 4/6। ठीक है, तो ये हमारा है फॉल्ट इक्विवेलेंस, इसको यूज करके हम सर्किट में इसका रेशियो निकालेंगे। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लें, ये आपका एंड गेट है, ये भी एंड गेट है और ये और गेट है, इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये इसकी दो इनपुट्स हैं, ये इसकी दो इनपुट्स हैं और ये इसका आउटपुट, ये लिया ए बी सी एंड डी और ये जेड। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हम इसका टोटल नंबर ऑफ इनपुट सेट्स वो निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पिंस है, 7 पिंस पे 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, है ना, 7 × 2 = 14, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ पिंस। उसके बाद अब हम करते हैं इसका वोल्टेज, एंड गेट के केस में ये भी 1, 0 हो सकता है, ये भी 1, 0, ये भी 1, 0, ये भी 1, 0, ये भी 1 और 0, ये भी 1 और 0 और ये भी 1 या 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें एंड गेट के केस में इनपुट में कितना कटता है, 0, तो यहाँ से हम 0 कट करेंगे, यहाँ से भी 0 कट करेंगे, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0 कट करेंगे। ठीक है, अब और गेट आ गया, और गेट के केस में क्या कट होगा, 1, और गेट के केस में क्या कट होगा, 1 कट होगा, 1 कट कर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितनी पिंस रह गई है, ठीक है, क्या इनपुट्स रह गए हैं वो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो 8/14 इसका क्या आ जाएगा, रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो है, ये फॉल्ट इक्विवेलेंस का रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्ट इक्विवेलेंस का एक होगी। दूसरा करते हैं, जैसे कि अब हम और गेट का केस लेते हैं, पहले 1, 2, 3, 4, यहाँ पे और गेट ले लिया, ये और गेट एंड देन लास्ट में एंड। ठीक है, ये दो इनपुट इसको छोड़ के इसका रेट कर लेते हैं, इसको इसमें रेट कर लेते हैं, इसको
एक ये हमारे पास सर्किट है और इस सर्किट का हमें फॉल्ट इक्विवेलेंस निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स पे इनपुट दे देते हैं 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10, ये फैन आउट ब्रांच होते हैं जो ऐसे करके ये थ्री टर्मिनल्स वाले, इनको हम फैन आउट ब्रांच कैसे 10, 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
अब देखो, अब इसमें यही हम फॉल्ट इक्विवेलेंसी के लिए हम यही रूल अप्लाई करेंगे एंड गेट के लिए 0 और गेट के लिए 1, कहां पे? इनपुट साइड। ठीक है, तो इनपुट साइड में देखो, सबसे पहले हम इस वाले ब्रांचेस का, ये 3 टर्मिनल वाले ब्रांचेस है, फेरॉट ब्रांचेस है, इसका हम कट करेंगे। ठीक है, तो एंड गेट का 0 कट हो रहा है, तो हम ये 0 कट करेंगे, एक ये 0 कट हो गया, एक ये इस एंड गेट का, एक ये 0 कट हो गया, एक ये 0 कट हो गया, इस एंड गेट का, एक ये 0 कट हो गया, एक ये 0, इस एंड गेट का, एक ये 0 कट, एक ये 0 कट, इस और गेट का, ये 1 कट, 1 कट, और गेट के केस में 1 कट है, और गेट के केस में 1 कट है, और एंड गेट के केस में 0 कट, मतलब 0 और ये भी 0। तो ये देखो, हमने सारे जो इक्विवेलेंस थे उसको कट कर लिए। अब देखो, हम सबसे पहले जब हम इसको रेशियो निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट्स लाइंस की, ठीक है, उसको हम लिखते हैं डिवाइड के नीचे, तो कितना है यहाँ पे 3, ये भी 3, 3 + 3 = 6 + 3 = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 लाइंस, 18 × 36, तो 36 हो गया। अब कितनी रह गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कितना हो गया 22। तो 22/36 इसका ये वोल्ट इक्विवेलेंस का आंसर होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वोल्ट इक्विवेलेंस। अब हम करेंगे डोमिनेंट वोल्ट कोलैप्स। एक डोमिनेंट फॉल्ट कलेप्सिंग के बारे में, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट फॉल्ट कलेप्स, इसमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ इनपुट्स को कट करेंगे, प्लस हम आउटपुट भी कट करेंगे, एंड गेट के केस में हम आउटपुट 1 कट करेंगे, और गेट के केस में आउटपुट हम 0, यानी इसमें दोनों चलेंगे, और इसमें हम डोमिनेंट फॉल्ट कोलैप्सिंग में हम आउटपुट की तरफ से कट करते हुए आएंगे। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये सर्किट है हमारे पास। अब इस सर्किट का हमें डोमिनेंट फॉल्ट कोलैप्सिंग करना है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बिट्स के डिवाइड में लिख लेते हैं, कितना है, 2 2 + 2 4 + 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 × 10 28, तो 28 इसके हो जाएंगे नंबर ऑफ इनपुट्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, डोमिनेंट पॉइंट लब्स के लिए आउटपुट की तरफ से बल आएंगे, ठीक है। आउटपुट की तरफ से देखो एंड गेट के केस में वन कटेगा, इनपुट में जीरो कटेगा। आउटपुट की तरफ से और गेट में जीरो कटेगा, इनपुट में वन कटेगा, ठीक है। तो अभी हम एंड गेट पे हैं, एंड गेट के केस में आउटपुट से वन कट रहा है, आउटपुट से वन काट दिए, ठीक है। इनपुट में जीरो कट रहा है, तो हम एक इनपुट का टर्म यहाँ पे एक काटेंगे और इन दोनों में से कोई एक काट, इन दोनों में से ये काट, ठीक है। ऐसे ही अब हम और गेट पे हैं, और गेट में देखेंगे, और गेट में आउटपुट पे जीरो कटता है, जीरो ऑलरेडी कटा हुआ, इनपुट का वन कटता है, तो हम आउटपुट का भी एक वन काटेंगे और इनपुट में से कोई एक, कोई एक ये वाला हमने ये कटा है। सब पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फैन आउट ब्रांचेस वाला पहले कट किया जाए, ठीक है।
ये हमने इसकी बजाय ये वाला गेट किया, ठीक है। अब हम करते हैं इस वाले और गेट का। अब इस और गेट में देखो आउटपुट में जीरो कटता है, आउटपुट में जीरो कटा और इनपुट का वन कटता है, तो एक इनपुट का बाहर कटेगा और एक अंदर। इसमें भी देखो पेन और ब्रांचेस का कट किया, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब इस पे आते हैं, इस एंड गेट में देखो एंड गेट का आउटपुट क्या वन कटता है, एंड गेट का आउटपुट में वन कट गया और इनपुट का जीरो, तो इनपुट का एक और एक बाहर, ठीक है। ऐसे इस वाले एंड गेट का देखो आउटपुट का वन कट रहा है, आउटपुट का वन कट गया, इनपुट का जीरो कटता है, इनपुट का जीरो कट दिया और एक इनपुट, एक बाहर का कटेगा और एक अंदर कटेगा जो भी इनपुट में कटता है। अब देखो एंड गेट ये वाला हो गया, इस वाले एंड गेट में देखो आउटपुट में वन, आउटपुट का वन कट गया, इनपुट का जीरो कटता है, इनपुट का एक तो अंदर कटेगा एक बाहर कटेगा, ठीक है। तो ये हमारी टोटली इसकी कलेक्शन हो गई, ठीक है, हमने कट कर दिए सारे। अब हम देखेंगे कितने बच गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 यहाँ पे कितना बच गया, 11। तो 11/28 इसका डोमिनेंट वर्ड कोलैप्स, ठीक है। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/28 इसकी डोमिनेंट फोल्ड कोलैप्सिंग, ठीक है। तो हम डोमिनेंट फोल्ड कोलैप्सिंग में एक चीज ध्यान रखेंगे, हम आउटपुट की तरफ से कट करते हुए आएंगे और सबसे पहले आउटपुट का कट करेंगे, उसके बाद इनपुट का करेंगे, इनपुट का जो कट हो रहा है उसका एक आउटपुट का भी कट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डोमिनेंट फोल्ड कोलैप्सिंग। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंसी फोल्ड कोलैप्सिंग या फिर डोमिनेंट फोल्ड कोलैप्सिंग।